हमारे दो निरीक्षक जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, चंद्रपाल यादव, देवेंद्र चंद्रवंशी, उनको 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कर्मवीर योद्धाओं के तहत नौकरी दी जा चुकी है और अब ये तय किया है कि कोविड-19 में महामारी के नियंत्रण में सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले सभी कर्मवीर योद्धाओं को कर्मवीर योद्धा पदक दिया जाएगा मध्य प्रदेश की पुलिस के अंदर। मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी अच्छी हालत में नहीं है और वो मध्य प्रदेश सरकार से कहेगा कि उसे कोरोना का इलाज चाहिए, तो मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मोर्चे पर अपनी जनता के साथ खड़े। पूरे अब दिल्ली की बात क्यों करें, हिंदुस्तान भर में कहीं कोरोना का मध्य प्रदेश का पेशेंट, दिल्ली ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे पेशेंट। अब मैं उनके बारे में, वो बहुत कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दी और फलानी क्लिनिक खोल दी, ये समय आलोचना और राजनीति करने का नहीं है। पर देश तो देख ही रहा है ना कि केजरीवाल जी के कारण दिल्ली की क्या हालत हो गई और शिवराज सिंह के कारण देखो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। दोनों की तुलना आप लोग करो ना। इसलिए मैंने कहा कि शिवराज सिंह जी को विजेता भले मत कहो, लेकिन आपके सामने मैं आंकड़े रखा हूँ, आप एग्जामिन कर लो। केंद्र से इंटरफेस नहीं करना चाहिए वहाँ। अब हर चीज को उस एंगल से फिर लोग देखने लगेंगे। अभी तो हमको कोरोना को हराना इतने तक रखे, बाकी राजनीतिक समय आएगा तब राजनीति की बात करेंगे। सर अनलॉक, लेकिन कोरोना योद्धा है जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने जैसी बातें आ रही है, कई बार पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना है, निगम कर्मचारियों को बाजारों में बोल रहे हैं तो लोग मान नहीं रहे, तो क्या ऐसे में कार्रवाई होगी? एक ताज़ा मामला बाड़ी का भी आया। अभी कार्रवाई नहीं, हम तो हाथ ही जोड़ रहे हैं भाई सबकी जनता। सर मारपीट की हम कार्रवाई के लायक नहीं और हमारे ऊपर मारपीट की घटना न करें। वो डॉक्टर के ऊपर नहीं है, वो घटना मेरे ऊपर ही है। आप हमको ही मारते हैं, हम रात दिन आपकी सेवा में लगे। आप पुलिस पे हाथ नहीं उठाते, आप मेरे पे ही हाथ उठा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपा करो, हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं इसमें? इसलिए जो भी निर्देश हो उनका पालन करो, जो हम कर सकते हैं आपके सामने है, आपके सामने रख रहे हैं। यही तो मैंने कहा कि मेरे को आप विजेता मत कहना, सरकार को विजेता मत कहना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी को विजेता मत कहना, पर आप देखिए हम किस दौर में चल रहे हैं, जिस दौर में पूरे विश्व के अंदर डबलिंग हो रही है। उस दिन में उन दौर में हमारी डबलिंग 31% है और रिकवरी रेट 68% है। 68% ये पुलिस का आधुनिकीकरण हम जो कर रहे हैं उसमें हमने एक कदम और बढ़ाया है। अब जो लाइसेंसधारी हैं हमारे यहाँ, लाइसेंस से अभिप्राय मेरा बंदूक रिवाल्वर से है, जिन लोगों पर शस्त्रों के लाइसेंस हैं अब वो एक क्लिप के माध्यम से कोई भी उन्हें देख सकेगा। अब ये कूटरचित जो शिकायतें आती थी या एक ही लाइसेंस पर 2, 4, 6, 8 के जो शिकायतें आती थी, तो उसके द्वारा अब ये करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार कि अब लाइसेंसिंग का पूरा रिकॉर्ड एक सिंगल क्लिप पर ऑनलाइन। हाँ जी हाँ जी, हमारी सरकार NDAL नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम ALIS नामक यह सिस्टम लागू करने मध्य प्रदेश में जा रही है और ये कलेक्टरों को सभी को निर्देश दे रहे हैं। पूरा का पूरी प्लानिंग करी हुई रखी है, इंदौर की भी, भोपाल की भी, मध्य प्रदेश की भी, और हम सने सने खोलते भी चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देखो मित्रों, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार कर रही है, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, ICU की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, लेकिन सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो हर घर पर खड़ी नहीं रह सकती। सरकार सावधानियों के लिए तो हम कह ही सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है पर सावधानी की ज़रूरत तो है। अब सावधानी आप नहीं रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर घर पर पुलिस तो नहीं बैठा सकते ना। इसलिए फिर प्रार्थना एक बार आप सबके माध्यम से कि सावधानियां जरूर रखें।